आज बच्चे आए हुए हैं और बच्चे जा रहे हैं कहीं टूर पे घूमने छुट्टियों में। है भाई कहाँ जा रहे हो? भाई जी तीनों रेडी हो चुके हैं हमारे तीन बंदर। ओ बस भरत मिला आप, चलो जाओ। ओ बस भरत मिला आप। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विनीता वर्मा ब्लॉग। और गाइज सबके सब अच्छे। और गाइज आज है रामनवमी और मेरे प्रभु राम श्री राम जी का बर्थडे है आज, और मेरे भी इष्ट के इष्ट का बर्थडे आज। तो हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू गाइज। और आज हमारे एजू जी कर रहे हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल में सारे जने मिलके भंडारा, हलवा सब्जी पूरी। तो प्लीज़ आ जाइए आप भी भंडारे में, सबका स्वागत है आपका। और बस हर्षित भी वहीं जा रहा है, और ये तो सुबह 6 बजे के गए हुए हैं और पूजा वगैरह कर लिया हमने आज जल्दी से। देखिए गाइज, जय श्री राम, जय माता दी, जय बाबा की। जाओ फिर, तो हर्षित भी जा रहे हैं। तो गाइस आज ये भंडारे के प्रसाद, और भंडारे के प्रसाद आ गया और अब बच रहा है 1:15, और भूख लगी थी बहुत तेज से। तो ये प्रसाद चखते हैं, पहले भगवान जी को भोग लगा दिया हमने और प्रसाद चखते हैं। तो गाइस अभी 5 बज गए हैं और अब मैं मंदिर बढ़ाती हूँ, और मन नहीं कर रहा लेकिन ना फिर बढ़ाना तो है ही, क्योंकि नवमी के बाद बढ़ा देते हैं। और अभी आ रही बहुत तेज वाली बारिश, और कहीं कहीं तो ओले भी पड़े हैं, और बिल्कुल रात हुई पड़ी है दिन में भी। और ये आ गए भंडार वाट के, 4:30 बजे आए वहाँ भंडार वाट के, सुबह 6 बजे गए हुए है ना। कितने किलो का बाटा भंडारा? 100 किलो आटे का। अच्छा जी, बेटे। और आलू 100 किलो आलू, 100 किलो आटा और हलवा का दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, पूरी रात हुई पड़ी है दिन में भी, अभी तो थोड़ी सी रुकी है बारिश, मस्त बारिश होके रह गई अभी। तो गाइस माता रानी की ड्रेस बदल दिया, और ये वाली ड्रेस बनाई मैंने जयपुरी, और बहुत सुंदर लग रही है सही में। ये भी मैं ना इसी ड्रेस के साथ लेके आई थी उस दिन, तो यह पहनाई है मैंने, और बहुत सुंदर लग रही है, राजस्थान ही लहंगा ना। ये देखिए गाइस, वाह पूरा घेर वाला लहंगा है। और बस अब मंदिर में माता रानी बैठ जाएंगी। मिट्टी मिट्टी रह जाएगी, अलग ही। अरे सही उठाओगे ऐसी उठ जाएगी, देखो नीचे से है ना। वाह जड़ देखो, कटोरा सा बन गया है ना। बहुत मिला है। जड़े हैं देखो सारी नीचे, ये तो बहुत अच्छी है। ऐसी हमारे नीचे हो रही है, ये तीसरे दिन ही ऐसी उठ गई थी, ये कटोरा ऐसी छोड़ दिया था उसने, आपने जो बोई थी आपकी है तो घनी। दोनों चाचा बेटे हैं, तो ये काट दे रही ना ऊपर से, मिट्टी थोड़ा खाएगी क्या? खींच के देख थोड़ी, ऐसे खींच के देख, मिट्टी मिट्टी रह जाएगी, टूट जाएंगे। नहीं ये काटने पड़ेंगे, नहीं मैं खींच रही थी नीचे तो खींच रही थी, मिट्टी आएगी दीदी, मिट्टी जाएगी गाय के मुंह में। गाय तो मिट्टी खा लेती है, मिट्टी क्यों खिला रही किसी गाय को? कैंची से काट दे रहे हैं, खिलाते नहीं खाते माता की खेती जी, क्या नहीं नहीं तो हरियाली तो है। अरे मैंने यूट्यूब पर देखा था, कहते हैं कि जैसे गाय को खिला देना, हरियाली तो है। बाकी अगर ये क्या मिट्टी ऊपर गमले में डालूंगी, जड़े जड़े फेंक देंगे बस, वो तो सूखे है ना, सूख देखो ऐसे ऐसे फेंकने से तो बेकार ही है, गाय भी माता ही है ना। नहीं और क्या, गाय को खिला दो, गाय मतलब सारे देवी देवता होते हैं। बंदर आ गया, 4 पूरी खा गया, बड़ा मोटा बाबा आ गए, बड़ा मोटा सा बैठ गया आराम से, 4 पूरी खाई, फिर छेक लाया भोग लगा गए। ये रही ना नीचे प्लेट, इसमें रख लो ना सकोरी में, या तो हाँ ऐसे काट दो बस, गाय में खिला के आते गौशाला में। पैसे तो भैया कई बार ये लोग हाँ खा जाते हैं। एक दिन तू चलियो,
गौशाला में हम लोग खिला के आते हैं बोरी। तुम तो एक दिन तो चलियो, फिर डालूंगा फिर कभी हर्षू को लेकर कभी तेरे को लेकर एक एक बोरी डाला करेंगे। एक झटर में करे के ना जो बीमार गाय होती है ना तो अपनी उन्हीं खा लेती है। खेतरी भी अच्छी हो रही है ना देखो, चाचा भतीजे ने स्पेशल बोई होगी। हाँ ये देखो कैसे अच्छी जड़ हो रही है, सेम होगी। उसने भी ऐसी बोई थी, नीचे ना गिरे मिट्टी। नहीं पकड़ी, अच्छा पकड़। बात भिगोने वाली नहीं थी, बात है जो तुमने जैसे बोए अंदर तक। हाँ दीदी तो नहीं, दीदी भिगो के डालती है, भिगो के डालती है कई बार से, मंदिर में डालते ना। पूरी मिट्टी निकाल के सारे बोके तब मिट्टी भरी इसमें, और होता ये है कि मिट्टी भर के फिर ऊपर से ऐसे कर दो बस। बच्चे आए हुए हैं और बच्चे जा रहे हैं कहीं टूर पे घूमने छुट्टियों में। अभी कहाँ जा रहे हो? यहाँ मैं बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश। कुछ भी कल इनका टूर जा रहा है बादरगढ़। बस में वहाँ लगाते ना कैसे बादरगढ़। और काफी सारे जने जा रहे हैं, ताई जी, ओम भैया है ना, और तुम तीनों। इनका काफी निकलेगा सुबह 7 बजे, आने का पता नहीं कौन कब आएगा है ना। दो दिन नहीं, अभी देखो कब आते हैं, सैटरडे आते हैं, संडे आते हैं, जब इनका मन हो जाएगा, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं। क्या चलो हो जाओ, अब बाहर क्या हो रहा है बाहर देखती हूँ। क्या हुआ? फोन दिया। जब मैं खा रही हूँ खाना, मटर के चाल बनाए और बच्चे कह रहे हैं हम खा के आए खाना, तो ये खा नहीं रहे। थोड़ा थोड़ा खा लो, मैं तो इसलिए फालतू बनाई थी, मैं चावल का मन कर ही आता है बच्चों का। गाइज अभी है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की है मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बजे अभी 7:30 और बच्चे उठ गए हमारे, सोए हैं 2 बजे ये। मैं आप खुली थी, तुम ना चुप के बाहर गेट खोल के जा रहे थे है ना। और था नहीं भैया ने क्या भूख लगती रही और खाते पीते रहे, और ये बड़ी मुश्किल से उठा। एक सोया, दूसरे ने मुझे पता थी तुम तीनों सोओगे नहीं, जब तीनों तुम ग्रह मिल गए हो ना तो तुमने ये सोओगे। मैं लास्ट में जाके बीच में सोई, इन लोगों को जब सोया हम तीनों मिलके ब्रह्मास्त्र। चल चाय पी ले, उठ के जल्दी से चल, ब्रश रखिए और देखो कितने अच्छे से रह के आओ तुम, ठीक है, बिना लड़े मरे, ठीक। अब क्या सोचने लग गया, पी ले चाय, पी ले जल्दी से बेटा, अच्छे से रहना। नहीं खुद रखो, खुद अपने काम करने सीखो। चलो चलो, ये रहा तेरा बैग, चल। तो भाई जी तीनों रेडी हो चुके हैं हमारे, तीन बंदर आ गया पापा। तो मैंने कहा था ना सॉक्स पहने का तो सोल का काम करता है, थोड़ा सा लग रहा है, चल के देख ले इसका ना, सो का रिचार्ज कर दियो। तो भाई जो भी आ गया, हाँ इसके पास 100 रुपए है। तेरे मेट्रो का है नहीं है? इसके पास 100 रुपए और कार्ड है, इससे 100 रुपए लेकर रिचार्ज करा दिए। चार्ज नहीं होगा मेट्रो बैठे को मशीन में, सो का होता है मिनिमम 150 रुपए चला। बस भरत मिलाप, चलो जाओ ऐसे रहिए ठीक है, अपना सामान अच्छे से समेट के रखना, ये नहीं फैला फुलू रखना। जय जय बाबू जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते, आशीर्वाद। अरे जाना,
चल बाय 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 हाँ ठीक है पंडित दीन दयाल नंबर ले लिया ना मामी का नंबर ले लिया मामी का चलो जाओ 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 सवारी हो जाओ भाई ये सारे जा रहे हैं अब दीदी सही होके आएंगी बिल्कुल अच्छा आ जाना कल हाँ मन नहीं लगता जा रही सारे बच्चे सारे बच्चे चले गए और दीदी चले गए मन भी नहीं लगी घर में लेकिन दीदी तो कल आ जाएंगी और बच्चे आएंगे परसों मामी छोड़ के जाएंगे मामा या मामी छोड़ के जाएंगे और बस अभी अब ना घर सुनसान से हो जाएगा सारा चलो कोई नहीं दीदी तो अपने ना हाथ की रॉड निकलवाने गई हैं और मतलब जो अंगूठे में दिक्कत थी तो वो सीधा हॉस्पिटल ही जाएंगे चचर और वहीं से फिर भैया आ जाएंगे और वहीं से निकलवा के फिर बेरी जाके फिर आएंगी कल बस सब सही हो जाए हाथ उनका तो गाइस बच्चों के बिना तो ऐसा लग रहा है घर में मतलब मन ही नहीं लग रहा नीचे भी कोई नहीं ऊपर भी कोई भी नहीं और मैं आप अकेले हूँ मेरा टाइम ही नहीं कट रहा है लगा लो काम हो ही गया सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं कट रहा है और आनंद दीदी का फ़ोन आया था उनके हाथ की रॉड निकल गई है और अभी एक्सरसाइज बताई उन्होंने अब कल आ जाएंगे वो सुबह तो अब देखते हैं अब मतलब अब ठीक ही हो जाएंगे थोड़े दिन एक्सरसाइज करेंगे थेरेपी वगैरह कराएंगी तो मतलब हाथ उनका ठीक हो जाएगा ठीक तो है ही खैर और बस गाइस बस अब बच्चों के बिना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा मैं क्या ही बोलूँ ना मेरा ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है ना कुछ तो चलो गाइस इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस और प्लीज़ कमेंट्स करके बताना हमारी वीडियो को कैसी लगी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय गाइस टेक केयर